नमस्कार, मैं उमंग और स्वागत है आपका हिंद टीवी में। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की राजनीति की दिशा बदल गई है। पीएम मोदी के विरोध में अंधी हो चुकी ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ धोखा कर रही हैं। विपक्षी एकता की राग अलाप रही दीदी अपने प्रदेश के विकास को रोक कर केंद्र पर इसका ठीकरा फोड़ना चाहती हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ममता बनर्जी का असली चेहरा दिखा दिया है। ममता की मोदी विरोधी पॉलिटिक्स से बंगाल को होने वाले नुकसान को जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ममता बनर्जी आजकल गोवा के चुनाव में व्यस्त हैं। अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए दीदी बेचैन है, साथ ही विपक्षी पार्टियों के साथ भाजपा विरोधी गठबंधन बनाने के चक्कर में ममता बनर्जी अपने प्रदेश का नुकसान भी कर रही हैं। उन्हें प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं है, बल्कि सियासत में अपना चेहरा चमकाने की चिंता है। इसके कारण पश्चिम बंगाल के विकास का पहिया धीरे हो गया है और कई केंद्रीय परियोजनाएं अटकी पड़ी हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम का असली चेहरा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखा दिया। दरअसल केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोलकाता के एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी के ऊपर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तो पश्चिम बंगाल के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी सहयोग नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कोलकाता के दमदम के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के भार को कम करना चाहती हैं। इसके लिए एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए राज्य सरकार केंद्र को जमीन मुहैया नहीं कर रही। सिंधिया ने दावा किया, बार बार आग्रह करने के बावजूद राज्य सरकार इसमें कोई रुचि नहीं ले रही। सिंधिया ने कोलकाता में कहा कि केंद्र कोलकाता में विशस्त्रीय सुविधाओं के लिए एक और एयरपोर्ट बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय हवाई अड्डों का विस्तार और कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा। सिंधिया ने आम बजट को जीरो बजट बताने को लेकर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पलटवार किया। उन्होंने आंकड़े गिनाते हुए कहा कि बंगाल में मेट्रो से लेकर विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए बजट में हजारों करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल में सड़क निर्माण और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अगले 3 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिंधिया ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को 1.5 लाख करोड़ में कितने जीरो हैं इसे गिनना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के ऊपर पहले भी केंद्रीय परियोजनाओं में अड़ंगा लगाने का आरोप लगता रहा है। उन्होंने केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को भी लागू करने से रोक दिया था। इसके अलावा कई और योजनाओं के लिए जमीन नहीं दे रही हैं, जिसके कारण बंगाल की विकास की गति धीमी हो गई है। लेकिन ममता को लगता है कि सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा का विरोध ही काफी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे और देखते रहे हिंद टीवी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।